टिपिकल नोजी जेलस कंपेटिटिव टीवी पे जो आती हैं आंटीज, दोस्त पड़ोस में रहने वाली, जैसे हम पांच में आंटी मत कहो ना, वेल दोस टाइप्स. वेल समटाइम्स पीपल वी नो कैन बी आंटीज टू, एंड बॉयज कैन बी आंटीज टू. सो आई थॉट आई जस्ट पुट दिस आउट देयर इन द वर्ल्ड कि दीज आर द टॉप थ्री थिंग्स दैट टर्न पीपल इन टू आंटीज. फर्स्ट इज वेन दे विल हैव कॉन्वर्सेशंस अबाउट यू विद समवन एल्स लाइक दिस. हेलो, हैव यू सीन रीटाज बेबी? ओ माय गॉड, मतलब इतनी चबी है. आई मीन कम ऑन, व्हेन माय डॉटर वाज 6 मंथ्स ओल्ड वो भी चबी थी, लेकिन शी वाज लाइक अ हेल्थी चबी, यू नो. लेकिन हर बेबी इज जस्ट लाइक फैट. डूड, नॉट हैपनिंग. अच्छा, द अदर थिंग इज व्हेन दे विल हैव कन्वर्सेशंस विद यू एंड ओनली सो दे कैन फील लाइक दे हैव वन अ रेस. हाँ, सो तुम तो विला में रहते थे, मैंने सुना तुम शिफ्ट हो गए हो, तो अभी कहाँ रहते हो? अच्छा, हाँ, दैट्स अ गुड एरिया. लेकिन विला लिया है कि फ्लैट में शिफ्ट हो गए हो? फ्लैट में शिफ्ट हो गए हो. एंड ऑफ कोर्स इतनी सारी जेलसी और मतलब नोजीनेस जब आप लेके चलते हो लाइफ में, तो आपकी आई मूवमेंट पर भी इसका असर होने लगता है. अदरवाइज व्हाई वुड पीपल डू दीज थिंग्स विद देयर आईज, लाइक व्हेन समवन वॉक्स इनटू अ रूम एंड आंटी डजंट लाइक दैट समवन. Yeah, that kind of stuff makes me feel like, Auntie G, sit down and relax.